मुझे ना कोई काम करने की जरूरत है ना कुछ, अल्लाह ने इतना दे दिया है कि मैं कुछ भी ना करूं तो बादशाह की जिंदगी गुजार सकता हूं। मैं ये क्यों कर रहा हूं? ये मैं कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं कर रहा, ये मैं एक वजह से कर रहा हूं। जानवर इस दुनिया में आता है, खाता पीता है, बच्चा पैदा करके मर जाता है। इंसान तो वो है जो फिक्र करता है कि मेरी आखिरत में मैंने अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह कुरान में कहते हैं मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। जहाद क्यों अल्लाह ने हमारे पे फर्ज किया है? क्योंकि अल्लाह कहता है जब तुम जुल्म और नाइंसाफी देखो तो तुम्हारे पे फर्ज है इंसानों कि उसका मुकाबला करो, उसके सामने खड़े हो, जालिम का मुकाबला करो। मैं तो पॉलिटिक्स में आया इसलिए हूँ, अल्लाह ने इतना ज्यादा दिया, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ जिनको अल्लाह ने नहीं दिया। देखो पाकिस्तानियों, ये अपना ईमान मजबूत करो, अल्लाह के हाथ में जिंदगी मौत है, तुम मौत का टाइम इधर उधर नहीं कर सकते। ये खौफ खत्म कर दो मौत का। और जो सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, रिस्क अल्लाह के हाथ में है कि जी मेरी नौकरी चली जाएगी। कितने लोग हैं यहाँ सरकारी नौकर इदारों में बैठे हुए हैं, अपने जमीर बेच बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि नौकरी लगी हुई है। इतनी कीमत है लोगों के जमीरों की। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, मेरे जमीर की कोई कीमत नहीं है। मैं सच्चा हूँ, मैं सच के लिए खड़ा हूंगा, मैं सच के लिए जान दे दूंगा, मुझे कोई नहीं सच से हटा सकता। ये है हमारा ईमान, इसलिए तो इन सारों के खिलाफ खड़ा हूँ, सारे वक्त के फिरौनों के सामने खड़ा हुआ हूँ। मैं ये जो जदोजहद कर रहा हूँ ये अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। अगर आप अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, आप गुलामों की जिंदगी गुजारेंगे, और गुलामों की कोई जिंदगी नहीं होती। ये है जंग इंसाफ की, आपके हकूक की, आपकी आज़ादी की। और कभी भी याद रखें, कोई आज़ादी प्लेट में रख के नहीं देता। जिस तरह मैं कहता हूँ, जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं।